हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। तो गाइज, वीक 12 की फुल टीआरपी आज हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सॉरी, वीडियो में डालना थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। एनीवेज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीक 12 की टीआरपी के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज इस बार हमें बालवीर 3 और बिकाऊ दोनों की ओपनिंग टीआरपीज देखने को पता चलेंगी। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। टॉप 10 चैनल्स को देख लेते हैं। नंबर 10 पे जी टीवी है, नंबर 9 पे है स्टार विजय, उसके ऊपर नंबर 8 पे है सोनी सब, उसके ऊपर नंबर 7 पे है स्टार प्रभा, नंबर 6 पे है जी तेलुगु, नंबर 5 पे गोल्ड माइंस है, नंबर 4 पे दंगल चैनल है, उसके ऊपर नंबर 3 पे है स्टार माँ, नंबर 2 पे है इस बार स्टार प्लस, और नंबर 1 पे है सन टीवी। कलर्स टीवी टॉप 10 वगैरह में नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ ये चेंज क्यों देखने को मिल रहा है इस रैंकिंग में। इस करके बिकॉज हम हर हफ्ते जो देखते होते हैं वो अर्बन एरियाज़ के हिसाब से ही टीआरपी होती है, जो टॉप 10 चैनल्स की रैंकिंग होती है। लेकिन इस हफ्ते जो टॉप 10 चैनल्स की रैंकिंग हम देख रहे हैं ये अर्बन प्लस रूरल की है, यानी कि ऑल इंडिया की है, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की मिलाकर। तो यहाँ की टॉप 10 की जो लिस्ट है वो काफ़ी अलग है। बढ़ते हैं अब हम इंडिविजुअल शोज़ की टीआरपी की ओर। सबसे पहले एनटीवी के सीरियल्स पे नज़र डालते हैं। दूसरी माह की टीआरपी इस बार 0.1 आई है। उसके बाद एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो टीआरपी है वो 0.2 है। भाभी जी घर पर की टीआरपी 0.3 है। और उसके बाद हप्पू उल्टन पल्टन की टीआरपी 0.2 देखने को मिलती है। एनटीवी के सीरियल्स की टीआरपी हमेशा की तरह लो ही है, लेकिन हाईएस्ट इनमें से देखा जाए तो भाभी जी की टीआरपी है 0.3 की टीआरपी के साथ एनटीवी का हाईएस्ट टीआरपी सीरियल। बढ़ते हैं अगले चैनल की ओर। अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत, जहाँ पर मेरी सास भूत है 0.2 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते। ना उम्र की सीमा हो कि 0.3 है। अजूनी की भी 0.3 ही है, वो तो है अलबेला की 0.2, धीरे धीरे से की भी 0.2। तो करेंटली अजूनी और ना उम्र की सीमा हो की टीआरपी बेटर है बाकी सीरियल्स से। ये करेंटली स्टार भारत के हाईएस्ट टीआरपी शोज़ हैं। आने वाले महीनों में हमें स्टार भारत पे भी कुछ नए सीरियल्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी के लिए प्री प्रोडक्शन में या फिर प्लानिंग फेज में है। तो अब अगले चैनल को देखते हैं। अगला चैनल है हमारे पास दंगल टीवी, जहाँ पर प्रिया अभिमानी की टीआरपी 0.2 आई है, बिंदिया सरकार की 0.5, पलकों की छाओं में 2 की 1.1 है, नथ जेवर है जंजीर की 0.5, मन सुंदर 1.0, सिंदूर की कीमत की 0.5 आई है इस हफ्ते, नागमणि की 0.4 है, जन्म जन्म का साथ की 0.4 आई है, मस्तमौली की टीआरपी 0.1 देखने को मिलती है जो कि लोएस्ट है करेंटली चैनल पे। और गाइस, जो हाईएस्ट टीआरपी है वो हमें देखने को मिलती है पलकों की छाओं में 2 की, जिसकी 1.1 आई है इस हफ्ते। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, जहां पर मेरे साई की टीआरपी इस हफ्ते 0.5 आई है। उसके बाद पुनेश लोक अहिल्या बाई की भी 0.5 ही है। दोनों सीरियल्स की मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम सी ही रहती है। बड़े अच्छे लगते हैं 2 की 0.4 टीआरपी है इस बार। कथा अनकही की 0.5 है। मास्टर शेफ इंडिया की भी इस हफ्ते भी 0.5 है। कथा अनकही और मास्टर शेफ की उतनी ही है। द कपिल शर्मा शो की 1.1 आई है इस बार, और इंडियन आइडल की टीआरपी 1.4 आई है। हर हफ्ते की तरह कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है सोनी टीवी के सीरियल्स की टीआरपी में। जैसे टीआरपी लाते हैं सीरियल्स वैसे ही लेकर आ रहे हैं। इंडियन आइडल हाईएस्ट टीआरपी वाला सीरियल है और इनमें से लोएस्ट टीआरपी बड़े अच्छे लगते हैं 2 की है। अगला चैनल है हमारे पास जी टीवी, जहाँ पर मीत की टीआरपी 0.5 देखने को मिलती है हमें इस हफ्ते। लग जा गले की भी 0.5 ही है। मैत्री की टीआरपी भी 0.5 है। तीनों सीरियल जो कि शाम के टाइमिंग पे हमें देखने को मिलते हैं, इनकी टीआरपी 0.5 देखने को मिल रही है। तो मीत की टीआरपी में डिक्रीज आ चुका है जब से सीरियल की टाइमिंग बदली गई है। और मैं हूँ अपराजिता की 0.8 है। राधा मोहन की 1.3 आई है। ये सीरियल स्टेबल है। भाग्य लक्ष्मी की 1.6 है। कुमकुम भाग्य लेकर आया है 1.5 की टीआरपी इस बार। और कुंडली भाग्य लीप के बाद वाली टीआरपी है, जनरेशन लीप जो कि आ चुका है, 1.6 की टीआरपी लेकर आया है। रब से है दुआ सीरियल 0.8 की टीआरपी लेकर आ रहा है। करेंटली जी टीवी के 3 सीरियल्स हैं जो कि लोएस्ट टीआरपी लेकर आ रहे हैं, जो कि है मैत्री, लग जा गले और मीत। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास सोनी सब यानी कि सब टीवी। तो बालवीर 3 अपनी ओपनिंग टीआरपी अपने पहले हफ्ते में 0.4 की टीआरपी लेकर आया है। काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड थे इसके लिए, बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है, लेकिन स्टिल सिर्फ 0.4 की ही टीआरपी लेकर आ पाया है बिकॉज सैटरडे टू संडे 7 बजे की टाइम स्लॉट मिली थी। अलीबाबा की डिक्रीज़ हो चुकी है, 0.3 हो गई है। दिल दिया गल्ला की 0.5 है शाम की टाइम स्लॉट को देखते हुए, जो कि ठीक है। ध्रुव तारा की उतनी है 0.6 8 बजे की स्लॉट से, जो कि डिसअपॉइंटिंग ही है, लेकिन कोई डिक्रीज़ नहीं देखने को मिला। एटलीस्ट तारक मेहता की 1.6 आई है। आगे बढ़ते हैं तो वागले की दुनिया और पुष्पा इम्पॉसिबल दोनों ही सीरियल्स जो कि सेम प्रोडक्शन हाउस के हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर हफ्ते सेम ही टीआरपी लेकर आते हैं। तो इस हफ्ते 0.9 की टीआरपी है दोनों सीरियल्स की। मैडम सर रिपीट जो कि 10 बजे की स्लॉट पे देखने को मिलता है, वो 0.4 की टीआरपी लेकर आया है, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते इसकी टीआरपी में
डिक्रीज देखने को मिला है। वही तारक मेहता हर हफ्ते की तरह हाईएस्ट टीआरपी शो है सब टीवी के हिसाब से, और बालवीर 3 जो है वो सिर्फ 0.4 ही लेकर आ पाया है। बढ़ते हैं आगे अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास कलर्स टीवी। तो गाइस ससुराल सिमर का सीजन 2 0.6 की टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। उसके बाद सावी की सवारी है जो कि 1.0 की टीआरपी लाया है। उड़ारियां की 1.4 है एंड परिणीति की भी 1.4 है। शाम के टाइम स्लॉट को देखते हुए दोनों ही सीरियल्स कलर्स टीवी के लिए हर हफ्ते कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं टीआरपी के मामले में। प्राइम स्लॉट्स की ओर जाएं तो धर्मपत्नी की टीआरपी इस हफ्ते 1.2 आई है। उसके बाद जुनूनियत की 1.1 है। तेरे इश्क में घायल की 0.8 देखने को मिलती है। अग्नि साक्षी की टीआरपी 0.6 है एंड मूल की 2 की 0.6 है, जो कि करेंटली यानी कि अब चैनल से बंद कर दिया गया है, चैनल से ऑफर जा चुका है। दुर्गा और चारू की टीआरपी 0.6 है एंड नागिन सीजन 6 की 1.5। अब हम चलते हैं हमारे नए शो की ओर जो कि शालीन भनोट और ईशा सिंह का शो है। बेकाबू सीरियल लेकर आया 1.3 की टीआरपी अपनी ओपनिंग टीआरपी में सैटरडे टू संडे, जो कि 9 बजे की स्लॉट पर रिलीज करा गया था। तो एकता कपूर का नया सीरियल जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है और 1.3 की टीआरपी अपने पहले हफ्ते में लेकर आया है, और एक काफ़ी अच्छा डेडिकेटेड फैन बेस भी इसका बन गया है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली कलर्स टीवी के नए लॉन्चेस कुछ खास परफॉर्म करे नहीं है, लेकिन बेकाबू की टीआरपी उनके मुकाबले बेटर है एंड अच्छा परफॉर्म किया है इसने अपने ओपनिंग वीक में। और गाइस वीडियो बनाया था प्रेडिक्शन वाला, बालवीर 3 और बेकाबू की प्रेडिक्शन। तो एक कमेंट में किसी ने दोनों सीरियल्स की टीआरपी को बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट नहीं करा था, लेकिन लवप्रीत सिंह का कमेंट जो है बालवीर की 0.4 और बेकाबू की 1.2 ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, जिसमें बालवीर की सही प्रेडिक्ट करी और बेकाबू की भी बहुत ही क्लोज आए। तो एक ही कमेंट था जो कि बिल्कुल क्लोज थे, तो इनका नाम वीडियो में ले रहा हूं। और बाकी जिन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आके सही टीआरपी कमेंट करी उनका ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा, बिकॉज मैं टीआरपी डालने में काफ़ी लेट हो गया आज, और लास्ट मोमेंट वाले कमेंट्स जो हैं वो काउंट नहीं होते होते और ना ही कोई एडिटेड वाला कमेंट काउंट होता होता है। तो यही कमेंट है जो कि सबसे क्लोज आ पाया, एक्यूरेट तो किसी की भी नहीं थी। आगे चलते हैं स्टार प्लस के शोज़ की ओर। तेरी मेरी डोरियां लेकर आया है 1.6 की टीआरपी। पंड्या स्टोर की 2.1 आया है इस बार। गुम है किसी के प्यार में लेकर आया है 2.7 की टीआरपी। उसके बाद इमली की 2.1 आई है और फालतू की भी 2.1 ही आई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते। और उसके बाद अनुपमा की टीआरपी हमें 2.9 देखने को मिलती है। इस बार 3 की लाइन में नहीं गई, ये है चाहते कि 1.9 है, 2 से फिर से नीचे गिर चुकी है। चाशनी की टीआरपी 1.0 देखने को मिलती है, जो कि लेट नाइट स्लॉट 11 PM की जिस सीरियल को मिली हुई है। तो यह है स्टार प्लस की टीआरपी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द शोज बेटर यानी कि अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस ये थी वीक 12 की फुल टीआरपी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ऐसी फुल टीआरपी हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी टीआरपी अपडेट मिस ना करें, सारी टीआरपी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। इस बार वीडियो डालने में लेट हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही टाइम पर वीडियो आ जाता होता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।